ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर आरोप लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार इसलिए गिरी कि चूंकि आपने पार्षदों को टिकट नहीं दिया था, जो पार्षद विद्रोही बन गए और बीजेपी की लुटिया डुबा दिए। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। देखिए, जब 2007 का कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा था तो सारे लोगों के बीच में, पार्टी के प्रमुख 500 लोगों के बीच में, बहुत सारे, लगभग हमारा हर कार्यकर्ता चाहता था कि कॉरपोरेशन का टिकट उसको मिले। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी चाहते थे, ज़िले में, मंडलों में, सब जगह पे। और एक साल के बाद ये चुनाव होना था असेंबली का, तो पार्टी ने सोच समझ के सबकी सहमति से ये निर्णय किया कि भाई जो कार्यकर्ता है वो स्वयं मन में तय करे क्या वो कॉरपोरेशन के चुनाव में लड़ना चाहता है या वो अगले साल विधानसभा लड़ना चाहेगा। अगर कोई कॉरपोरेशन के समय में टिकट प्राप्त कर लेगा तो फिर उसको विधानसभा के समय पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और वह निर्णय सारे खाली नेताओं ने नहीं, एक स्तर से ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था। अब उसको 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया। मुझे नहीं लगता कि उसका चुनाव के अंदर अपेक्षित सफलता ना मिलने से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है। आपने महंगाई के मुद्दे पर काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब बीजेपी की आवाज़ में वो पैनापन नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की आवाज़ दब गई है या हर पखवाड़े पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई कम नहीं हुई है लेकिन बीजेपी की आवाज़ दब गई है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं जानता कि ये ऐसा आपको परसेप्शन क्यों बना है। पार्टी आज भी संघर्ष कर रही है और दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखता है। नहीं, दिल्ली की सड़कों पर भी कर रही है, वो बात और है कि क्योंकि मैं देखिए दिल्ली में लगभग 5 साल से ऊपर समय तक लगातार पार्टी का अध्यक्ष रहा और शायद मेरा लॉन्गेस्ट टेन्यूअर रहा है इस पार्टी के, दिल्ली पार्टी के, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा, श्री केदारनाथ सहनी, श्री मदन लाल खुराना जैसे लोग रहे हैं और इन सबसे भी ज़्यादा मेरा टेन्यूअर रहा है। तो उस कारण से बहुत लंबे समय मुझे संघर्ष करने का मौका मिला, सभी विषयों पर किया, बिजली के निजीकरण से लेकर पानी के प्रपोज्ड निजीकरण तक और महंगाई पर और फिर भ्रष्टाचार के ऊपर और फिर अनेक प्रकार के सीलिंग डेमोलिशंस और जितने भी इश्यूज आए। तो शायद उसके कारण आपको लगता होगा क्योंकि मैंने बहुत वर्षों तक किया, वही कार्यकर्ता है, वही पार्टी है, अभी भी आज भी संघर्ष करती है। कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच में या अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका सपना रहा है दिल्ली को दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में शामिल करवाना, ऐसे में दिल्ली में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की जनता वैसे ही जाम से, खराब प्रशासन से, सुरक्षा व्यवस्था की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में धरना प्रदर्शन कहाँ तक दिल्ली में उचित समझते हैं आप? देखिए, बात यह कि इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासनकाल में 12 वर्ष हो गए, किसी को इतना सौभाग्य नहीं मिला दिल्ली में लगातार 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन आज भी लगभग हर फ्रंट पर, जैसा आपने स्वयं कहा, चाहे वो ट्रैफिक जैम तो एक विषय है, आज भी दिल्ली में पानी की, गंदे सीवर की, टूटी फूटी सड़क की, गंदी मैली नाले जैसी यमुना की, सुरक्षा की, 95% महिलाएं दिल्ली में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कोई किसी की चेन छीनी जा रही है, किसी का बलात्कार हो रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको बलात्कारियों का स्वर्ग बोलते हैं। हर समस्या से दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। आज भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग, उनको शीला दीक्षित चुनाव के समय झूठे सर्टिफिकेट बांटकर रेगुलराइजेशन के बेवकूफ़ तो बना सकती हैं लेकिन उनके लिए कोई सुख सुविधा देने के लिए वो तैयार नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, जो प्रजातंत्र है उसमें जो सत्ता है उसके खिलाफ आप संघर्ष कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप को संघर्ष करने के लिए विधानसभा है, उसके अंदर आप कर सकते हैं, विधानसभा के बाहर कर सकते हैं, सड़क पर धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को और सोनिया गांधी को दिख नहीं रहा, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट खुद उन्होंने बनवाई और उसके अंदर शीला दीक्षित के ऊपर 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख जगह जगह हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसके बावजूद भी अगर उनको नहीं हटा रहे हैं तो ये समस्या उनकी है। लेकिन जनता देख रही है, देश देख रहा है, आपका मीडिया देख रहा है और इतिहास किसी को कभी माफ़ नहीं करता है।
आप हो सकता है कि एक समय तक लोगों को बेवकूफ बना लें और अपना जो वर्चस्व है उसको स्थापित करे रखें, लेकिन एक्सपोज में इतिहास के कूड़ेदान में शीला दीक्षित को भी उसी प्रकार से जाना पड़ेगा जैसे सभी भ्रष्ट नेता गए हैं। हमारा काम है जनता की आवाज़ को, जनता के हितों की रक्षा के लिए उसको बुलंदी से पहुंचाना, बुलंदी पर उसको प्रखरता से उठाना। लेकिन धरना प्रदर्शन से शीला दीक्षित की सरकार हिले ना हिले, आम आदमी जरूर हिल जाता है। मैं धरने प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, कहाँ तक इसको उचित समझते हैं? देखिए, अब दो बातें हैं। अब पहला जो आपका प्रश्न था उससे बिल्कुल एकदम विपरीत आपके प्रश्न में ही, पहले वाले में से जो है दूसरे प्रश्न का दोनों के जवाब ही आपने, यानी कि समस्या भी आप रख रहे हैं और समाधान से भी आप समाधान तो आप ही लोग सुझाएंगे ना। देखिए, बात है कि अगर हमारी पार्टी कोई धरना ना करे, कोई प्रदर्शन ना करे, चुपचाप बैठ जाए, तो फिर आप कहेंगे कि ये महंगाई डायन के लिए क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए क्या हो रहा है, शीला दीक्षित इतना अन्याय और अत्याचार दिल्ली के लोगों पर कर रहे हैं। केवल इस सवाल पूछने के पीछे केवल ये था कि क्या महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे किसी और तरीके से नहीं शीला दीक्षित सरकार को या किसी भी भ्रष्ट सरकार को, जिसको आप मानते हैं कि दोषी है, भ्रष्ट है, हमें नहीं कह रहे कि शीला जी भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, लेकिन कोई भी और तंत्र नहीं है, केवल यही जरिया है कि आम आदमी को तबाह किया जाए तभी वो। आपको हो सकता है संकोच होगा कहने में, मुझे कोई संकोच नहीं है, शुंगलू साहब को भी कोई संकोच नहीं है कि भ्रष्टाचार के लिए शीला जी ही दोषी हैं। बिजली निजीकरण में भी 12,500 करोड़ रुपये के घोटाले में CAG की रिपोर्ट में उनके बारे में आया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में आया, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर ने कहा, रिजर्व बैंक ने टिप्पणी की। तो ऐसा नहीं है, वो आपको संकोच होगा, हमें कोई संकोच नहीं है, दिल्ली की जनता को कोई संकोच नहीं है, लेकिन ये बात एक सोचने की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शायद समय के साथ धरने प्रदर्शन वगैरह इसके अलावा भी कोई दूसरे तरीके हो तो वो अपनाने चाहिए, लेकिन इसमें देखिए समस्या क्या है। मैं एक बार जापान गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एडवाइज़र होने के नाते वहाँ एक मीटिंग थी 2000 के अंदर, तो मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि साहब यहाँ एक हड़ताल चल रही है, 2 साल से चल रही है एक बैंक में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जापान और यहाँ हड़ताल और बैंक में और 2 साल से। मैंने कहा मुझे दिखाओ, तो वो वहाँ मैं गया तो वो कहने लगे कि देखिए साहब, ये लोग 15 मिनट पहले आते हैं, एक ईमेल करते हैं गवर्नमेंट को, उसमें अपना प्रोटेस्ट नए सिरे से लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्थिति यह है कि वो पूरे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भी मैंने उनसे कहा, भाई 2 साल से आपको करना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपकी पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है कि आप करे जा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपकी भावना से सहमत हूँ कि धरने प्रदर्शनों का कोई अल्टरनेटिव ऐसा निकल सके जिसमें कि सरकार को भी जो है झुकाया जा सके, तो विधानसभाओं और पार्लियामेंट के बाहर रास्ते निकालने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा उत्तर चाहते हैं, बस आप अपनी सोच बताइएगा क्या है। BJP को सत्ता की राह कैसे मिलेगी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन करके या हिंदुत्व के रास्ते से? नहीं, देखिए, पहली बात तो हिंदुत्व हमारे लिए कोई सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है कि आपने। और जहाँ तक भ्रष्टाचार और महंगाई का प्रश्न है, तो इस देश की जो प्रेजेंट सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो स्टेट में हो, दिल्ली में हो, ये महंगाई को अपने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर और गरीब आदमी जिसके नाम पर ये सरकारें बनी हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए और उनकी जेब पर डकैती डालने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और उन्हीं सरकारों के द्वारा भ्रष्टाचार के अंदर हजारों करोड़ की लूट की गई है, जो हमारा आपका खून पसीने का कमाया हुआ पैसा सरकार को हमने टैक्स में दिया जनता के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। सत्ता तो निश्चित रूप से जो महंगाई और भ्रष्टाचार से जो पीड़ित जिसे कहते हैं लोग हैं, इन सरकारों के कुकर्मों से पीड़ित जो लोग हैं, वो ही इस सरकार को गिरा देंगे, इसके कुकर्म ही इसको गिरा देंगे। हिंदुत्व हमारा, हम चाहे अपोजिशन में रहें चाहे सरकार में रहें, वही है, उसमें हमारे को किसी तरह का कोई सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई अलग से हमारा हिंदुत्व नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन को, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।